सबसे पहले अपना नाम बताइए। जानवर तो बांध ले और उन लोग के ऊपर गिरा तो दबे लेके अंदर। तो आप लोग प्लीज डी एम पी को भी थोड़ा बेहतर करो, पुलिस में भी आप लोग दो करो, खाली मिल जाए दबे यहाँ से और बस इतना ही कोशिश करो। और मार लगा भैंसों को। फोटो उठा से ले लो अंदर। फोटो भी लेता ना खराब। दिलावर जी, क्या है मामला, आज यहाँ पे आए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है मामला? ये मामला ये है कि तबेला जो है, ये पीछे तबेला आप देख रहे हैं, वो तबेला C1 कैटेगरी में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है बाय BMC। उसको 354 का नोटिस दे के इवैक्यूएशन नोटिस है कि इवैक्यूएशन, इसको पूरा इवैक्यूएट करो, खाली करो और डिमोलिशन करो। अभी ये स्ट्रक्चर का आप हालत देख सकते हैं, 5:30 बजे ये स्ट्रक्चर गिरा है और इतना ये पीछे भैंसे है, भैंसे को भी लगा, वो पूरा मार आया है। उसका भी फोटो हम लोग ने दिया है, BMC को भी दिया है और अपना वार्ड ऑफिसर को भी दिया है, के वेस्ट वार्ड के अंदर के हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दिया है, पुलिस कमिश्नर को भी हमने फॉरवर्ड किया है ट्विटर करके। और ये बार बार स्ट्रक्चर कॉलेप्स होते रहता है और ये देखो हालत देखो ये स्ट्रक्चर का। कौन है तबेले के मालिक? तबेले का मालिक जब्बार छावनी वाला है, वो मालिक नहीं है, इलीगल ऑक्यूपेंट है, इलीगल ऑक्यूपेंट है, वो तबेले का कोई मालिक नहीं है, वो इलीगल तरीके से यहाँ बैठा हुआ है सिर्फ एक एक्सट्रॉशन करने के लिए। हम लोग पे एक्सट्रॉशन किया जा रहा है कि तबेला खाली नहीं करेंगे, इतना इतना पैसा दो हमारे को तो हम लोग तबेला खाली करेंगे, नहीं तो ये पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। नोटिस कब दी हुई है BMC? जब BMC ने अभी 2 महीने पहले ये नोटिस इशू किया है और पेस्टिंग ऑर्डर के साथ में यहाँ पेस्टिंग करके गया है कि पेस्टिंग, ये नोटिस का कॉपी है, ये नोटिस का कॉपी है, 354 की अपना इनको नोटिस इशू हुआ है कि 354 तुम्हारा C1 कैटेगरी डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद कोर्ट में गए लोग, हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है C1 कैटेगरी है, खाली कर दो और यहाँ से वाड़ा जाने की तैयारी करो। वाड़ा शिफ्टिंग के लिए हम लोग ने इनको जगह भी दिया है, वाड़ा में शिफ्टिंग करने को भी इन लोग तैयार नहीं है, यहाँ से जाने को ही तैयार नहीं है, बोले हमारे को पैसा दे दो।
अभी करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन कर रहे हैं उन लोग हमारे पे। हम लोग उनको बोला कि वाड़ा के अंदर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ही डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट के अंदर जो डायरेक्शन फिक्स हुआ है वो डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हारे को वाड़ा जाना है, और वो ऑर्डर बरकरार रखो हाईकोर्ट का। अब भी एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ गया है, अभी इनको बीएमसी भी बोल रही है कि तुम खाली करो, इनको नोटिस देने आती है तो नोटिस लेते नहीं है, पेस्टिंग करती है तो निकाल के फाड़ देते। मोटे साहब ने भी के वेस्ट वार्ड में इनको, अभी हम लोग का मीटिंग था एक हफ्ते पहले बीएमसी के अंदर, के फेस टू फेस मीटिंग हुआ, उसके अंदर भी यही डिसाइड हुआ कि तुम्हारे को वाड़ा जाना है जब हम तुम्हारा लाइट पानी सब काट देंगे। तो भी इन लोग लाइट पानी कटने के ऊपर आ गया है, और नोटिस इशू हो गई है, अडानी की नोटिस इशू हो गई है कि लाइट पानी कटेगा, बीएमसी ने नोटिस इशू कर दिया कि हम लोग तुम्हारा लाइट पानी काट देगा, उसके बाद तुम्हारे को शिफ्टिंग करना है और हम लोग डिमोलिशन करने के लिए आ रहा है। तो भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बीएमसी वाले आते तो उनको धक्का मारते, गाली गलौज करते, हम लोग आते हम लोग को गाली गलौज किया जाता है, और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यही चाहते कि तबेला यहाँ से खाली हो जाए, क्योंकि ये जो खाली ह्यूमन्स के लिए अनसेफ नहीं है, एनिमल्स अंदर, एनिमल्स आर टाइड, उन लोग बंधे हुए, तो वो जब कॉलेप्स होगा आदमी लोग तो भाग जाएंगे, जितने भी एनिमल्स बांधे ले उन लोग कैसे भागेंगे, उन लोग तो बांधे हुए। अभी ये जो कल हादसा हुआ तो उसमें कितनी भैंसों को मार लगी है? कम से कम 8-10 भैंसों को मार लगा है, वो भैंसों को इन लोग ने हटा दिया है यहाँ से, और एक दो तीन भैंस और हम लोग ने फोटो निकाला जिसको यहाँ पे गर्दन पे मार लगा है, किसी को पीठ पे मार लगा है, पूरा स्ट्रक्चर गिरा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर 16 फुट की हाइट से गिरता है तो कितना इम्पैक्ट होएगा और एनिमल्स को कितना लगा होगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा बीएमसी को थोड़ा ये करो, और अपना पुलिस कमिश्नर और ये अपना जो भी वार्ड है उसके अंदर आप लोग भी, और पुलिस स्टेशन के अंदर भी आप लोग थोड़ा हेल्प करो कि ये स्ट्रक्चर खाली हो, अनसेफ है, और ये जानवरों का सवाल है। आप हम लोग ने पेटा को भी लिखा है, पेटा को भी हम लोग ने इन्फॉर्म किया कि इस तरीके का हादसा हो चुका है, आप लोग प्लीज़ आओ, और प्लीज़ आप लोग हेल्प करो, और इन लोग को वेकेट कराओ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होएगा, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने भी इनको बुझे दिया है कि नॉट द बीएमसी विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द कोर्ट, नॉट द लैंडलॉर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग हैपेंस ओवर हियर। आज ये इतना बड़ा छोटा सा हादसा हुआ है, कल ये पूरा स्ट्रक्चर गिरने की हालत में और बड़ा हादसा होएगा तो लाखों आदमी मरे, आदमी लोग भी अंदर काम करते हैं, हज़ारों आदमी काम करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, अंदर रहते सोते, जानवर तो बांधे ले, और उन लोग के ऊपर गिरा तो उन लोग मर जाएगा, जानवर लोग कम से कम 500 जानवर है अभी इस वक्त तबेले के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ बीएमसी को भी थोड़ा प्रेशराइज करो, पुलिस में भी आप लोग दो, और आप लोग भी थोड़ा ये न्यूज़ को हम लोग को हेल्प करो कि ये खाली हो जाए तबेले यहाँ से, और बस इतना ही कह सकता हूँ, और तो कुछ